की रहने वाली मुस्कान वाम ने हमारे साथ है। उनके अनुपमा सीगल में पाखी का किरदार निभाया है। उनसे ही जानते हैं किस प्रकार का वह किरदार था और वह आगे क्या तैयारी है। बहुत ही मज़ेदार शो था मेरी लाइफ में, एक ऐसा शो जिसने मुझे बहुत पहचान दी, बहुत नाम दिया। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं मुझे इन 3 सालों में काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। शहर से रहने वाले हैं आप और मुंबई तक के सफ़र करा हुआ, कैसा स्ट्रगल करना पड़ रहा था? क्योंकि बचपन से ही आप में वो प्रतिभा थी डांसिंग की, डांसिंग की बदौलत वहाँ पहुँचे हुए थे, तो डांसिंग के बाद आप एक एक्टर्स के रूप में किस प्रकार से परफॉर्म? मैंने एज अ डांसर स्टार्ट किया था जब मैं बहुत छोटी थी। मैं स्टेज शोज करती थी, तो मेरे दादाजी के जो फ्रेंड थे उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप मुंबई जाके ट्राई करो, ये कितनी क्यूट दिखती है, इसे काफ़ी काम मिलेगा। तो हम मुंबई गए, मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया। टीवी सीरियल की जिंदगी और वास्तविक जिंदगी में कितना अंतर देखते हैं आप? टीवी सीरियल और वास्तविक, अगर मैं अपनी कैरेक्टर के हिसाब से बताऊं, जो मेरा रोल था उसमें पाखी, तो वो तो बहुत ही ऑपोजिट था, जैसी मैं हूँ नहीं वैसा वो कैरेक्टर था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जो मैंने कैरेक्टर निभाया उसके थ्रू भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं करते और उनकी बातें सुनते नहीं हैं। तो काफी लोग छोटे पर्दे की तरफ आ रहे, तो आपको कैसा लगता है कि बड़े पर्दे की तरफ आना चाहिए कि छोटे पर्दे पे ही रहना चाहिए? मुझे लगता है कि उस सबकी ऑडियंसेस अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो रहा है। बीच में कोविड था तो उसके वजह से ऑब्वियसली मूवीज और जो OTT प्लेटफॉर्म है वो काफी बढ़ गया, तो आई गेस सबके ऑडियंसेस अलग हैं, तो सबको मतलब OTT ऐसा है जो आप खुद अपने चॉइस से देख सकते हो। TV पे एक टाइमिंग के हिसाब से शो आता है, जो पसंद करते हैं वो देखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी कंपेयर करने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए। थैंक यू भारत 24, थैंक यू।